ऐसा चीज ढूंढ रहे हो जो एक बार लगाए और ग्लो आ जाए, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगी। ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो एक बार आप लगाओगे तो आपके फेस पे ग्लो इंस्टेंटली मिल जाएगा और वो भी रेडीमेड। काफी बॉय है, गर्ल है, वो लोग जो है DIY पे बिलीव नहीं रखती हैं, या तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता है और वो DIY में उनका टाइम थोड़ा ज्यादा जाता है, इसकी वजह से वो लोग करना नहीं चाहते, या तो फिर आपके पास टाइम नहीं है पार्लर भी जाने का और ना ही आपके पास खुद के पास भी टाइम है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम में ऐसा क्या किया जाए? तो फेस पे तो भाई ग्लो करना ही है कि नहीं? ग्लो तो आना ही चाहिए फेस पे। जब फेस्टिव सीजन आते हैं तो उसका वाइब्स जब आता है तो आपके फेस पे भी तो ग्लो दिखना चाहिए। एक पॉजिटिव वाइब्स एक अलग चीज होती है, लेकिन एक बाहरी जो सुंदरता होती है उस पे जो ग्लो होता है उसकी भी बात अलग होती है, वही होती है जो एक अट्रैक्शन सेंटर होता है। तो आप मैं कितने एग्री हूँ मेरी बातों से प्लीज कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, लेट्स गो। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे चार ऐसे प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और इंस्टेंटली ग्लो देगा, और यही जो मैं अफोर्डेबल से ले करके, और अगर जो आप ज्यादा प्राइस पे जाती हो तो उसमें भी मैं एकदम गिना चुना मैं आपको प्रोडक्ट्स दे रही हूँ जो आपके लिए इफेक्टिव हो, ठीक है। तो ये पहला मैं दिखा रही हूँ, ये पिल ऑफ मास्क है जो ये आपको चारकोल मिल जाता है। और व्हाट्सअप का मैं पिल ऑफ मास्क दिखा रही हूँ जो मेन और वोमेन दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं, जो सबसे खास बात लगी। और ये ऐसा मैं मास्क बता रही हूँ, ये पिल ऑफ मास्क है, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से आपको एक मोटा लेयर आपको अपने फेस पे लगाना होता है, ठीक है, देन आपको इसे सूखने देना है, ठीक है, और आपको तब तक सुखाना जब तक पूरे अच्छे तरीके से सूख ना जाए, देन आप इसको पिल कर दें, यानी कि उधार दे, ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ। एक और चीज का खास ध्यान रखना, जब आप पिल ऑफ मास्क लगा रहे हो तो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ लगाई जाती है ताकि आपकी स्किन टाइट फॉर्म हो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस मास्क की खासियत के बारे में। ये मास्क दावा करता है अगर आपके फेस पे धूल, मिट्टी, डेड स्किन के लेयर या ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, कुछ भी आपके फेस पे हो ना, वो चुंबक की तरह चिपक जाएगा और आपके फेस से सारे डॉट इम्प्योरिटीज को निकाल देगा। हाँ, ये प्रोडक्ट दावा जब करता है, लेकिन ये भी बात सच है, ये प्रोडक्ट उस तरीके से काम भी करता है, हाईली रिकमेंडेड। अगर कोई प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं इंस्टेंटली ग्लो के लिए तो ये जरूर ट्राई करना। और हाँ, कोई भी आपका फंक्शन हो, वेडिंग हो या आपकी फेस्टिवल्स हो, तो उसके आप एक घंटे पहले कर लेना, आपका काम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप चाहती हो इंस्टेंटली ग्लो आए वो भी गोल्डन सा, क्योंकि वेडिंग्स में गोल्डन ग्लो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हम लड़कियों का ना एकदम फेवरेट है फेस्टिव्स में गोल्डन ग्लो, यानी कि वेडिंग में बहुत ज्यादा हम लोग का फेवरेट होता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ अफोर्डेबल एकदम एवरी यूथ का पिल ऑफ मास्क लेके आई हूँ जो आप मेन और वोमेन दोनों लगा सकते हैं, ये भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो गई है। दूसरी चीज, ये पिल ऑफ मास्क है, ये भी आपके फेस की इम्प्योरिटीज को निकालेगा, डेड स्किन की लेयर को निकालेगा, व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, उन सारी चीजों को ये निकाल के फेंक देगा। तो चलिए इस मास्क को कैसे लगाना है वो भी देख लेते हैं। इस मास्क को आपको कुछ इसी तरीके से लगाना है, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ लगाना है, वो भी मोटे लेयर में, ताकि पिल करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देन आपको उतने देर तक सुखाना है जितना तक ये पूरा सूख जाए तब उधारना है, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आपको ये भी यूज करना है, और ये वाला बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है जो कोई भी ट्राई कर सकता है। आप इसका एड बहुत ज्यादा देखते हो तो हाँ, ये भी इफेक्टिव है इंस्टेंटली में ग्लो लाने के लिए, ये भी बहुत कारगर काम करता है, यानी कि एक से कोई भी फंक्शन उसके दो घंटे एक घंटे पहले कर लो, आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर आप पिल ऑफ मास्क नहीं लगाना चाहती हो, काफी गर्ल है चाहे बॉय है, तो उनके फेस पे फाइन हेयर्स है या थोड़े से बड़े, कुछ गर्ल्स लोग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है जब फेस में थोड़े बड़े बड़े बाल आ जाते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है पिल ऑफ मास्क में, क्योंकि उनको पेन होता है। अगर वो पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो उनके लिए भी मैं एक ये प्रोडक्ट लेके आई हूँ,
जो ये भी चारकोल मास्क है, एक्टिवेटेड चारकोल है, और ये गुड वाइब्स का है। जो गुड वाइब्स के जितने भी क्रीम होती हैं या तो फिर इनके प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर के, रेंज बॉडी केयर के, हेयर केयर के, बहुत ही ज्यादा आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए फ्रेंडली होती हैं। तो ये वाला आप चारकोल मास्क लगा सकते हो, ये भी अफोर्डेबल है। और हाँ, एक और मैं एक चीज बता देती हूँ, खास बात, इस सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा खासा सेल चल रहा है और 2 घंटे को 1 फ्री मिल जाएगा, तो ठीक है ना। हाँ, यही नहीं, और भी ज्यादा प्रोडक्ट खरीदती हूँ 700-800 के, तो उसमें भी आपको 100% ऑफ मिल जाएगी। तो आपको सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो अपने लिए परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मास्क आपको कैसे लगाना है वो भी देख लेते हैं। तो ये मास्क ने आपको फेस को क्लीन कर लेना है फेस वॉश से, ठीक है। देन आपको इस मास्क को अप्लाई करना है नीचे से ऊपर की तरफ, जितने भी मास्क होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं ताकि आपकी स्किन टाइट हो, फॉर्म हो, ठीक है। देन आपको कुछ मिनट्स तक, यानी कि 20 मिनट्स तक आपको वेट करना है, आपके मास्क सूख जानी चाहिए, ठीक है। जब सूख जाता है आपका मास्क, देन आपको इसे वॉश कर लेना। जब वॉश करेंगे तो आप देख सकते हो क्या ग्लो मार रहा है, वाओ, ऐसा ग्लो किसी नहीं चाहिए। तो अगर जिनके फेस में बाल है तो ये ट्राई कर सकते हो, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ, जो ये बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में आया हुआ है, ये मास्क, ये मैं दिखा रही हूँ, ये सीट मास्क है, ये भी गुड वाइब्स का है और कैलेंडुला एंटी ड्राइनेस सीट मास्क है। यानी कि अगर आपके फेस ड्राई रहती है, नॉर्मल स्किन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑयली स्किन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रह जाती है ड्राई स्किन वाले, तो ऐसे में मैं उनके लिए भी, उनका भी मुझे ध्यान रहता है हमेशा, इसलिए मैं आपके लिए भी ये प्रोडक्ट लेके आई हूँ। ये मैं गुड वाइब्स का सीट मास्क दिखा रही हूँ। अगर ये मास्क आप लगाती हैं, आपके इस मास्क का ये खासियत है, उसमें सीरम होते हैं। ये मास्क जो होता है एकदम रेडीमेड होता है, रेडी टू यूज, यानी कि आप इसको वॉश करो, ठीक है, देन आपको, आप इस पैकेट को फाड़ो, देन आप इसमें सीट मास्क निकालें, कुछ इस तरीके का आपको निकलेगा, देन आपको कुछ इस तरीके से फेस पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसे अप्लाई करने के बाद आपको 30 मिनट्स तक या 20 मिनट्स तक आपको वेट करना, उसके बाद इसे फिल करके फेंक दो, ठीक है। उसके बाद इसका जो सीरम है ना, ये आप अपने फेस पे मसाज दे, ठीक है, तो इससे आपके फेस पे ग्लो आएगा। और सीट मास्क हटाते ही आपको पता चल जाएगा आपके फेस पे कितना ग्लो लाया है। तो ये भी सीट मास्क ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया हुआ है। आई होप आपको इंस्टेंटली ग्लो लाने का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और हाँ, इस तरह की और भी नई वीडियो देखना चाहती हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, इस तरह की और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए। बाय द वे, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप इस आईडी पे मुझे फॉलो कर सकती हैं और आप मुझे मैसेज भी कर सकती हैं और मैं वहां पे पर्सनली सबसे बातें भी करती हूँ, तो ठीक है ना, आप समझ गए होंगे आगे आपको करना क्या है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो अपनी फैमिली फ्रेंड या किसी भी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना, ठीक है। और मैं आपसे मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।